बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे सब फ्रेंड्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी, तो मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। आज आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्ती जो है ना क्विक वाली रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो जो बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर जो है वो मैं एक दिन पहले अम्मी के घर गई हुई थी, वहाँ पर मेरी सिस्टर बच्चों के पेपर्स वगैरह चेक कर रही थी, तो उसके जो है वो मैं साथ उसके देख रही थी और बच्चों ने क्या क्या जो है वो लतीफ़े लिखे हुए थे वो भी पढ़ रही थी साथ ही। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि बच्चों का क्या हाल चाल है, आजकल बच्चों का क्या हाल है पढ़ाई में। तो यहाँ पर जो है वो बस पेपर चेकिंग वगैरह हो रही थी, उसकी मार्क्स जो है वो काउंट करके साथ साथ जो है ना वो लगा रही थी। तो मैंने कहा चलो छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि बच्चों ने जो है ना वो क्या का अंजाम दिया हुआ है। तो और या इसके बाद नेक्स्ट डे का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैं जब घर वापस आने के बाद का था और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने थोड़ी सी चाय बनाई, वरना मोस्टली गर्मियों में ना ज़्यादा चाय नहीं पी जाती और मैं तो नहीं इतनी ज़्यादा चाय पीती गर्मी में। तो आज जो है वो मौसम अच्छा था ना, बादल वगैरह थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। और मोस्टली शाम की चाय के साथ ऐसे होता है कि मेरे से बिल्कुल खाली चाय जो है ना वो मैं नहीं पी सकती, मतलब कि सिंपल चाय, चाय के साथ मुझे होता है कि कोई ना कोई चीज़ ज़रूर हो। तो ये तो कल वाले थोड़े से चावल रात के बने हुए थे, तो वो मैंने थोड़े से साथ डाल लिए और साथ मैंने चाय ले ली। मैं चाय इसी तब पीती हूँ जब कोई चीज़ हो, अगर ना हो कोई चीज़ साथ खाने के लिए तो फिर मैं चाय ना नहीं पीती। मुझे इस तरह से अकेले में चाय ना पीने का कोई मज़ा सा नहीं आता, तो वरना फिर मुझे कुछ ना कुछ स्पेशल जो है वो बनाना पड़ता है। चाय वगैरह पीने के बाद फिर शाम हो गई थी, तो मैं जो है अजान को फ्राइज़ बना के दे रही थी कि उसको भूख लगी होती है, जो वो शाम में उठता है ना तो ऑलमोस्ट उसको कोई ना कोई साथ चीज़ देती हूँ। और साथ में मैंने इन दिनों ये कर रही हूँ कि मैं सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, किचन में खड़े होने का दिल नहीं करता, तो शाम में जाके ना थोड़ा सा जा किचन में जाती हूँ और हांडी वगैरह बना लेती हूँ। तो मैंने जो है वो किया था कुकर में, साथ मैंने गोश्त रख दिया था कि आज मेरा दिल था करेले गोश्त पकाने का, तो यहाँ पर जो है वो मैंने उसको फ्राइज़ वगैरह डाल के दिए और गोश्त मेरा गल चुका था, बस अब इसको इसकी भुनाई करनी थी, तो वो साथ साथ मैं इसकी भुनाई करूँगी। और साथ जो है ना वो मैंने करेले काट के उनको पहले धो के और नमक लगा के रखा हुआ था, तो अब वो जब ड्राई हो गए थे वो मैंने दिन को ही सब कर लिया था, और जब वो ड्राई हो गए थे उनका पानी अच्छे से खुश्क हो गया था, तो फिर मैंने उनको जो है ना वो फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के हल्का हल्का उनको जो है ना वो फ्राई कर लिया था। इससे जब नमक लगा के धोने से ना करेलों की कड़वाहट जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, और फिर उसको फ्राई कर लेते हैं ताकि वो और ज़्यादा जो है ना वो अच्छे मतलब हो जाए। तो बस गोश्त की बुनाई करूँगी, फिर उसमें करेले डालूँगी, करेले जब डालूँगी ना तो साथ ही थोड़ा सा कच्चा प्याज और कच्चे टमाटर भी छोटा छोटा काट के, क्यूब्स में टमाटर काट के और प्याज काट के वो भी ऐड करूँगी और उनकी अच्छी सी बुनाई कर लूँगी, इससे बड़ा अच्छे जो है ना टेस्ट हो जाता है। तो करेले गोश्त बना रही थी और मुझे पता था कि ये तो जान ने खाना नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने एक साथ में जो है ना फ़ौरन से जो है वो एक मैंगो का मौसम है तो मौसम के फलों का फ़ायदा उठाना चाहिए, तो मैंने फ़ौरन से जो है मैंगो का ट्राइफल बना लिया, और मैंगो जान के फेवरेट भी बहुत है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा ट्राइफल बनाया, कोई उसमें जो है वो मैंने सब कुछ घर में पड़ा हुआ था और फ़ौरन से, क्योंकि मुझे ये पता था कि वो करेले गोश्त नहीं खाएगा तो उसके लिए जो है ना कुछ साथ कर लो, तो मैंने थोड़ा सा उसके लिए गोश्त निकाल लिया था कि चलो रोटी उसके साथ खा लेगा, और साथ में ये ट्राइफल बना लिया था। अब मैंने क्या किया कि सिंपल कस्टर्ड मैंने बनाया, सिंपल वनीला कस्टर्ड पड़ा हुआ था और दूध में कस्टर्ड और चीनी वगैरह डाल के वो बनाया, और मैंगो पड़े थे उनको क्यूब्स में काट लिया, और मैरी बिस्किट थे। मुझे कैंडी वैसे चाहिए थे लेकिन कैंडी मुझे मिले नहीं, मैरी पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो ये यूज़ कर लेती हूँ। तो ये 3 गिलास बना रही हूँ क्योंकि हम तीनों के लिए हो जाएगा इसी में ही। तो मैंने क्या किया, बस कस्टर्ड डाला नीचे, लेयर्स अब इनकी कर दूँगी, बिस्किट की लेयर लगा दूँगी, मैंगो की लेयर लगा दूँगी और फिर ऊपर कस्टर्ड डालूँगी, फिर इस तरह 2-3 स्टेप में ना मैंने इनकी लेयर लगा दी थी। तो इन दिनों मैंगो का मौसम है, आप लोग भी बनाएं, बच्चों को दें, बहुत मज़े का ट्राइफल बनता है और इसको अच्छा से जब ठंडा करके खाएँ तो बिल्कुल आइसक्रीम की तरह लगता है। मैंगो मैंने ज़्यादा यूज़ किए थे क्योंकि मैं लेयर में भी मैंने मैंगो डाले थे और उसके अलावा वैसे भी मैंने कस्टर्ड में भी थोड़े से मैंगोज ऐड किए थे, क्योंकि जब वो मुंह में जब खाओ ना तो वो मुंह में मैंगो का बड़ा ही अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो बस इस तरह से जो है वो मैंने बना लिया था, और
बहुत जल्दी बन जाता है। अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो आप फ़ौरन से इस तरह चीज़ें पड़ी हों और आप फ़ौरन फ़ौरन बना सकते हो। तो ये मेरी क्विक सी जो है ना छोटी सी रेसिपी थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि आप लोगों के भी इन दिनों में ना ये मैंगोज़ भी हैं और मौसम भी ऐसा है कि दिल करता है ठंडी ठंडी सी खाने के बाद कोई आइसक्रीम या इस तरह की चीज़ खाई जाए। तो फिर आप लोग ये बना के दिन में बना के आप रख लें तो शाम में ठंडा अच्छा हो जाएगा, बड़ा मज़ा देगा, तो आप लोग खा सकते हैं। नहीं तो आप लोग, मैंने तो फ़ौरन फ़ौरन बनाया था, फ़ौरन ही साथ ही शाम में बनाया था, फ्रीज़र में रख दिया था और बड़ा अच्छा ठंडा हो गया था और इसने बहुत ज़्यादा मज़ा दिया था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं अब आप लोगों के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा कोई और नया व्लॉग लेकर आऊँगी। तो मुझे अब दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, ताकि किसी को शायद कोई मेरी जो है ना रेसिपी, कोई चीज़, कोई बात पसंद आ जाए तो किसी का फ़ायदा हो जाए। तो ज़रूर मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कर देना और आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो चलें, ना मुझे दें इजाज़त, मैं चलती हूँ, तो खुदा हाफिज़।